नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप विश्व नेशन देख रहे हैं। आज जनाधिकार पार्टी में बड़ी संख्या में आरजेडी और जदयू के युवा लोगों ने पप्पू यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली है। आपको बताएं कि जनाधिकार पार्टी की तरफ से आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया था पटना के सटे फुलवारी में। वहां पर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है कार्यकर्ताओं के बीच में, और साथ ही किस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में उनका विजन है, किस तरीके से बिहार में बदलाव की वो बात कर रहे हैं। छोड़ जाते हैं आपको उनके पूरे बयान के साथ। सबसे ज्यादा दूध मेरे बिहार में, डेनमार्क से ज्यादा दूध है मेरे पास। हम अपना प्रोडक्ट दुनिया को बेच सकते हैं। मधेपुर में एक फैक्ट्री खुली थी, गुजरात में एक फैक्ट्री खुली थी, मधुबनी के मधेपुर में हमारी फैक्ट्री आज से 44 साल पहले बंद हो गई। क्या कर रहा, पेपर मिल बंद हो गया, सिल्क मिल बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया, चीनी मिल बंद हो गया, सिगरेट मिल बंद, फैक्ट्री बंद हो गई, बंदूक फैक्ट्री बंद हो गई, डालमिया नगर बंद हो गया। 15 साल में 1.5%, 1.5% भी रोजगार नहीं दे पाया। हमारे बच्चे 20,000 करोड़ रुपया बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। यदि कोई बिहार का लड़का मेडिकल करता है तो 1.5 करोड़ रुपया उसका फादर अपनी जिंदगी दो पर लगा करके बाहर में देता है। 50 लाख डोनेशन, 1 करोड़ उसके जीवन पर 4 साल में खर्च करता है। यदि कोई लड़का इंजीनियरिंग करने जाता है तो 50 लाख रुपया खर्च करता है, 10 लाख डोनेशन, 40 लाख उसके जीवन पर खर्च करता है। ये 20,000 करोड़ रुपया बिहार में रहता है। ये 20,000 करोड़ रुपया हम कोटा को देते हैं, बेंगलोर को देते हैं। कभी 40 सालों से किसी ने इसकी गहरी चिंता नहीं की। यहाँ के लोग, बगल में पटना के पास एम्स है, एक भी डॉक्टर नहीं है, कोई एम्स में नहीं जाता। यहाँ के लोग दिल्ली के एम्स में जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। काहे, कारण क्या? जिंदगी तबाह हो गई। क्या कारण है कि 52 लाख 56 लाख लोग नीतीश कुमार आपके समय में पलायन कर गए? आप तो बोले थे पलायन नहीं करेगा। 15 साल आपको मिली, लालू यादव जी ने कोई गुनाह किया उसको सजा मिली, जो भूल किया होगा सजा मिली होगी। आज लालू यादव का सवाल नहीं है, आज सवाल आपके 15 साल का है। आपने कहा था पटना को पेरिस बनाएंगे। ये पेरिस है, जिधर से हम आए ये जानवर नहीं रह सकता, वहां आदमी 70 साल से रह रहा है। ये पेरिस है जहां के बच्चों को जिंदगी जीने के लिए परचून की दुकान, एक घर में नीतीश कुमार आपने कभी जाकर के देखा कि दाल लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लोग जीते कैसे हैं? क्या कारण है कि यहां के लोग, यहां के बच्चे बाहर कमाने जाते हैं? मेरे पास कुछ नहीं होता है, एक फैक्ट्री नहीं है। गुड़गांव में जितनी फैक्ट्री है, पानीपत और करनाल में जितनी फैक्ट्री है, लुधियाना में जितनी फैक्ट्री है, उतना फैक्ट्री पूरे बिहार में नहीं है। डबल इंजन की सरकार, आप जरा बताइए ना पप्पू यादव, जिस राज्य में फैक्ट्री नहीं होगी, सालों में आपने किसी की ज्वाइनिंग तक नहीं होने दी, और बिना पैसा लिए कोई गरीब आदमी का बेटा रोजगार नहीं कर पाया। सर, याद रखिएगा, यदि 15 दिनों के अंदर एग्जाम होगा बिहार में तो वो सीसीटीवी कैमरा के तहत होगा, उसके नीचे होगा, गरीब का बेटा पढ़ेगा वही रोजगार करेगा। पप्पू यादव का बेटा, मुझे पता है, उसको लगेगा कि बाप पैसा देके करवा ले। भरोसा रखिएगा, जो मिडिल क्लास का बच्चा है ना, वही जिंदगी बदल सकता है। पप्पू यादव का बेटा जिंदगी और दुनिया नहीं बदल सकता, ये मैं जानता हूं। लेकिन इस गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे की जिंदगी इन नेताओं ने और सिस्टम ने हराम कर दी। आप कहते हैं, किसी ने हमसे एक दिन पूछा बहुत पहले, कैसे भ्रष्टाचार रोक लीजिएगा पप्पू जी? मैंने कहा, बीबी जहां सोता है ना, कलेक्टर एसपी नेता का, वीडियो का, सीओ का, मैं सिर्फ वो रूम छोड़ दूंगा जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे। ऑफिस, बाथरूम के बाहर, गाड़ी, उसके घर के बाहर, कलेक्टर के माथे पर और मंत्री के माथे पर सीसीटीवी होगा, और वो मॉनिटरिंग सिर्फ पप्पू यादव का कार्यालय करेगा, वहां कोई इंटरफेयर नहीं होगी। करपट भी बदलेगा तो पप्पू यादव को खबर होगी हर ऑफिस में।